दोस्तों, सिंघाड़ा आटा में कई पोषक तत्व होते हैं। इसका अधिकांश भाग में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। सिंघाड़े के आटे का उपयोग हलवा, बर्फी, पकौड़े जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट लगते हैं। साथ ही सिंघाड़े के आटे का सेवन सेहत को भी कई लाभ पहुँचाता है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सिंघाड़े के आटे का सेवन स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि सिंघाड़े के आटे में पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सिंघाड़ा का आटा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यही वजह है कि व्रत के दौरान इसे खास महत्व दिया जाता है। तो आइए जानते हैं सिंघाड़े के आटे के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर वन, सिंघाड़े का आटा पोटेशियम से भरपूर होता है। ये उच्च रक्तचाप जैसे सोडियम के सेवन से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने का काम कर सकता है, और साथ ही ये दिल की सेहत को दुरुस्त रखने में भी अच्छा होता है। नंबर टू, ये आटा पीलिया के मामले में भी अच्छा माना जाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। नंबर थ्री, विटामिन बी सिक्स से भरपूर होने के कारण ये मूड लिफ्टर माना जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है, जो मूड को स्थिर करने और तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। नंबर फोर, चूंकि इसमें आयोडीन होता है, इसलिए इसे थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर फाइव, पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये मुक्त कणों को कम करके और सूजन को कम करके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं। ये प्रकृति में एंटीवायरल, एंटी कैंसर और एंटी बैक्टीरियल भी हैं। नंबर सिक्स, सिंघाड़े के आटे में शीतलता के गुण होते हैं। ये आटे से अलग बनाता है, जिसमें गर्म गुण होता है। ये इसे एक अच्छी प्यास बुझाने वाला बनाता है और लार को बढ़ावा देता है। ये दस्त और हीट स्ट्रोक को नियंत्रित करने में भी कारगर है। नंबर सेवन, वाटर चेस्टनट आटा यूटीआई के इलाज में अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें एंजाइम होते हैं जो मूत्राशय को साफ कर सकते हैं। नंबर एट, माना जाता है कि यह आटा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की एक से अधिक तरह से मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि ये उच्च रक्तचाप से राहत देता है, क्योंकि ये एक हल्का मूड एलिवेटर भी है, प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकता है, गर्भपात के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है और स्तनपान में सहायता करता है। ये भ्रूण के विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है। नंबर नाइन, सिंघाड़े के आटे में विटामिन ई, विटामिन बी, जिंक और पोटेशियम की मौजूदगी बालों को चमकदार और स्वस्थ रखने के लिए अच्छी होती है। नंबर टेन, ये उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो ग्लूटेन सामग्री के प्रति संवेदनशील हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए ये उन्हें एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण नहीं बनने वाला है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हालांकि सिंघाड़ा आटा से संबंधित कोई खास नुकसान नहीं है, सिंघाड़े का आटा अगर अधिक मात्रा में खाया जाए तो समस्या हो सकती है। ये सूजन और पेट फूलना पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये मतली और उल्टी का कारण भी बन सकता है। हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप वाले लोगों द्वारा इसे खाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।